एक बार फिर शराब के कारण उजड़ गया हसदा वसदा परिवार। शराब के नशे दे विच व्यक्ति ने वड दिता अपना ही परिवार, बाद दे विच कर ली खुदकुशी। दो मासूम बच्चों आते पत्नी के सिर ते तलवारा दे नाल कीते वार। सत श्री अकाल, द टीवी एन आर आई देख रहे हो तुसीं ते मैं हां श्री। अक्सर कहा जाता है कि शराब जिहड़ी है लोगों के भरे भराए घर उजाड़ दिंदी है। शराब के नशे दे विच अक्सर ही लोग ऐसा कोई काम कर बैठते हैं जिसका अंजाम जिहड़ा उन्होंने जिंदगी भर जिहड़ा है भुगतना पैंदा है। पर ताज़ा मामला जो सामने आया उस दे विच शराब के नशे च धुत व्यक्ति के द्वारा अपना ही घर उजाड़ के आप भी आत्महत्या कर ली गई है। दसिया जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे दे विच अपने दो मासूम बच्चों नूं वड्या जांदा, बाद दे विच अपनी घरवाली नूं भी मौत दे घाट उतार दिता जांदा। तो जदों उस दे वल्लों इस सारी घटना नूं अंजाम दे दिता जांदा तां आप भी उस दे वल्लों खुदकुशी कर ली जांदी है। इस सारे मामले दे बारे जानकारी सामने आउंदी है कि घर दे विच मौजूद दो होर बच्चे सन जिन्हां ने घर दी छत टप के अपनी जान बचाई। इस सारे मामले दे बारे जदों पुलिस दे वल्लों छानबीन कीती गई है तां जो खुलासा होया उस दे बारे दस्सदिया होया पुलिस दा कहना सीगा कि इस व्यक्ति दे द्वारा शराब दे नशे दे विच अक्सर अपने घर दे पालतू कुत्ते नूं जिहड़ा है उस दे नाल कुटमार कीती जांदी सी, उस नूं मारिया जांदा सी, जिस दे करके घर वाले अक्सर ही इस गल दा विरोध करदे सन। पर बीते कल जदों इह व्यक्ति मुड़ तों शराब दे नशे दे विच अपने पालतू कुत्ते दे नाल कुटमार कर रिहा हुंदा है तां उस दौरान घर दे बच्चे जिहड़े ने इस व्यक्ति नूं अजिही हरकत करन तों रोकदे ने। इस दौरान शराबी गुस्से दे विच आ जांदा है, अपनी तलवार कढ लिआउंदा है। पहलां अपने दो मासूम बच्चों नूं मौत दे घाट उतारिया जांदा है, वार वार तलवार दे नाल उन्हां दे उत्ते वार कीते जांदे ने, ते बाद दे विच जदों बचाव करन दे लई उन्हां दी मां अगे आउंदी है, इस शराबी व्यक्ति दी घरवाली अगे आउंदी है, तां उस नूं भी इस तरह बेरहमी दे नाल वड दित्ता जांदा है। इस सारी घटना दे दौरान घर दे विच दो बच्चे मौजूद सन, वह भज के किसी तरह अपनी जान बचा लेंदे ने। जानकारी मिलती है कि वह घर की छत टप के उन्होंने द्वारा अपनी जान बचाई गई सी। दसिया जाता है कि इस सारी खूनी झड़प में इस वारदात को अंजाम देने तो बाद इस शराबी व्यक्ति द्वारा अपना भी गला रेंद के आप भी आत्महत्या कर ली गई सी। इस सारे मामले के बारे जदों मोहल्ला वासियों पता लगता तो मोहल्ले के अफरा तफरी फैल जाती है। लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कार शराब के नशे दे विच ऐसी हरकत नू कोई व्यक्ति किवें अंजाम दे सकता है। इस सारे मामले के बारे जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये जिहड़ी घटना है मध्य प्रदेश की जिहड़ी धार्मिक राजधानी कही जाती है उज्जैन दे विच वापरी है, जिथे कि दिलीप नामक इस व्यक्ति के द्वारा एक खूनी खेड खेडिया गया, अपने ही परिवार नू इस तरह मौत दे घाट उतार दिता गया। उज्जैन जिले के बड़नगर थाना खेत्र दे विच पेंदे बालोदा अलसी दे रहण वाले दिलीप सिंह पवार दे द्वारा शराब दे नशे दे विच पहला कुत्ते नू कुट्टिया जा रहा सीगा, पर बाद दे विच जदों बचाव करन लई उसदे अपने बच्चे ते घरवाली अगे आउंदे ने तां उसदे द्वारा अपनी ही तलवार दे नाल गुस्से दे विच आ के उन्हां दे उत्ते सिर दे उत्ते वार कर दिता जांदा है, जिस तों बाद उन्हां दी मौके ते ही मौत हो जांदी है। ते बाद दे विच व्यक्ति जिहड़ा है शराबी व्यक्ति आप भी आत्महत्या कर लैंदा, अपना भी गला रेंद के जिहड़ा है खुद नूं भी जिहड़ा है खुदकुशी कर लैंदा। इस सारे मामले ते हुण जदों पुलिस जिहड़ी है मौके ते पहुंची है, उन्हां दे द्वारा पूरी जांच पड़ताल कीती जा रही है कि जिहड़े बच्चे घरों भज्जे सन उन्हां दे बयानां दे आधार ते सारी छानबीन करदिआं होइआं मामला दर्ज कीता गया। दस्सिआ जांदा कि लाशां नूं अपने कब्जे दे विच लैण तों बाद उन्हां दा पोस्टमार्टम करवाया जा रिहा, पर इस सारी वारदात तों बाद इलाके दे विच जरूर सनसनी फैली हुई है कि किस तरह इस शराब दे नशे दे विच इस व्यक्ति दे द्वारा एक खूनी खेड खेडिया जांदा ते अपने ही परिवार नूं मौत दे घाट उतार दिता जांदा है। बाबा खान बंगाली, असीं कहिंदे नहीं करके दिखाउने आ, किसी भी तरह का काला जादू करवाओ या तुड़वाओ, सिर्फ 5 घंटिया च वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ, केवल 2 घंटिया च अधीन की प्राप्त करो या तोड़ो। कारोबार नौकरी प्रेम विवाह लड़ाई झगड़िया अते दुश्मन सौकण तो छुटकारा, विदेश यात्रा घरेलू कलेश पढ़ाई च रुकावट, किसी भी तरह की समस्या का हल सिर्फ 8 घंटिया च। कॉल या वट्सअप करो 98 151 56 151।